Hey guys, welcome to my channel Miss BeautyPie. So guys, आज मैं आप लोगों के लाए हूँ एक hairstyle tutorial. ये एक बहुत ही easy tutorial है. Like देखने में बहुत मुश्किल लगता है कि ये कैसे बनेगा, लेकिन बनाने में उतना ही super easy है. So make sure कि इस वीडियो को पूरा end तक देखें. Step by step आपको follow करने हैं जो भी steps मैं आपको बता रही हूँ. बहुत easy तरीके से आपकी braid बन जाएगी, जिसे हम 3D braid कहते हैं. So start करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल बटन को दबा दें. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है. सो मैं कॉम की हेल्प से अपने सारे बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी, लाइक बालों में ज़रा से भी टैंगल्स ना रहें. ओके, सो बाल कॉम कर लिए. अब आपको क्या करना है, ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था. ये एक आपको एक इलास्टिक रबर लेना होगा इस टाइप का, लेकिन ये ईजिली कट हो जाता है इस वजह से. तो अगर आप कोई भी ब्रेड बना रहे हैं, कोई पहली बार कोई ऐसा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब से देख के या कैसे भी, तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ इलास्टिक रबर ले लीजिए, क्योंकि इससे ना आपको बाल एक जगह टाए जाते हैं तो आपको अच्छे से बनाने में हेल्प मिल जाती है. तो इससे ना सारे बालों को टाई कर लेंगे, बाद में इसे कट करके निकाल भी सकते हैं, तो ऐसे वाले रबर बैंड ईजी पड़ते हैं. ओके, सो बालों को टाई कर लिया है. अब क्या करना है गाइस, ध्यान से देखिएगा. जैसे हम नॉर्मल ब्रेड्स बनाते हैं, जो हम चोटी बनाते हैं गूंथ के, ये उसी प्रोसेस से बनेगा. थोड़ा इसमें भी हमें तीन वो लेने पड़ेंगे, एंड उसी को हमें एक दूसरे के लाइक नॉर्मल ब्रेड में हम एक दूसरे के साथ में गुत्ते चलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होगा. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें तीन पार्ट्स करने होंगे अपने बालों के. ये एक पार्ट हो गया, ऐसे ही मैं दो इक्वल पार्ट्स और कर लूँगी. तीनों पार्ट्स इक्वल रखेगा. ओके, तीन पार्ट्स हो गए हैं. अब आपको क्या करना है, लाइक ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें से आपको फर्स्ट फिंगर और थंब की हेल्प से आपको इसके बीच में दो पार्ट्स और करने हैं. लाइक इसमें से मैंने अपनी फिंगर और थंब को निकाल लिया कुछ इस तरीके से, एंड अब इन दोनों की हेल्प से ये जो बीच वाला जो पार्ट है हमारा, हमें इन दोनों को लेना है इनमें, और इन्हीं ये जो हमने जो फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर से हमने थंब और फिंगर निकाले हैं, इसी के बीच में से हमें बीच वाले पार्ट को इस तरीके से इस साइड ले आना है. आपको समझे हो गए आप? तो अब जो बीच वाला पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट की साइड आ गया है, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा बीच में आ गया है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम यही चीज़ इस वाले पार्ट के साथ में करनी है. तो अब हम जो थंब और फिंगर है, हम इन दोनों इस वाले पार्ट के बीच में से लेके जाएंगे इस तरीके से, और अब जो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जो हमारा पहला पार्ट जो बीच में आ गया है, अब इसे हम इन दोनों के बीच में से थर्ड साइड में ले आएंगे. तो अब जो बीच वाला पार्ट था वो हमारा इस साइड आ गया है, और जो थर्ड वाला पार्ट था वो अब हमारा बीच में आ गया है. अब हम सेम चीज़ फिर से इस वाले पार्ट के साथ में करेंगे. हम थंब और फिंगर को इसके बीच में ले जाएंगे, एंड जो मिडल वाला पार्ट है उसको हम साइड में ले आएंगे. एंड अब सेम इसी के साथ में करेंगे, यहाँ से हम मिडल पार्ट को लेंगे एंड उसको साइड में ले आएंगे, एंड जो साइड वाला पार्ट है उसे हम मिडल में ले आएंगे. तो आपने देखा, नॉर्मल ब्रेड नहीं बनी है, थोड़ी अलग हटके बनी है, थोड़ी और लंबी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी. अब मैं फिर से इसको करती हूँ. सो अब मैंने इसके बीच में से ये दोनों निकाले, बीच वाले पार्ट को मैंने इसके अंदर लिया एंड इन दोनों को बीच में कर दिया, एंड मिडल पार्ट को मैं साइड में ले आई. Thank you.
लंबा करना है आप उतनी लंबे रख सकते हैं। मेरे बाल यहाँ पे एंड हो रहे हैं, लाइक आप देखेंगे मुझे कि झाड़ू के बाल निकल आए हैं, तो मैं इसको यहीं पर रखूँगी एंड यहाँ पे एक रबर बैंड की हेल्प से इसे सिक्योर कर दें। एंड या मेरी 3D ब्रेड बन के तैयार है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, लाइक क्या आपको इस नॉर्मल ब्रेड लग रही है? लाइक इट्स ब्यूटिफुल गाइज। अच्छा, हम इसे 3D ब्रेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको आप किसी भी एंगल से देखिए, आप हर एंगल से एक अलग डायमेंशन आपको दिखाई देगी, मतलब हर एंगल से आपको सेम ही दिखाई देगी, इसलिए इसका नाम 3D ब्रेड पड़ा है। एंड वेरी ब्यूटिफुल, आप कॉलेज में बना के जा सकते हैं, किसी ऑफिस पार्टी हो या नॉर्मल पार्टीज़ या कैजुअल भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये बन गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें गाइस, बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके बाल थिक हैं, हैवी हैं, तो आप ये बहुत अच्छी लगेगी। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। यूनिक है ना, थोड़ा अच्छा है। सो अगर मेरे बाल और लंबे हो जाएंगे तो मैं इसको ज़रूर डेली में ज़रूर बनाऊँगी। सो या ये था आज का ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड मैं आपके लिए ऐसी प्यार प्यार वीडियोज़ लाती रहूँगी, हर हफ्ते मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यस बेल बटन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।